हेलो एवरीवन, आज हम आंकलन कार्य पत्र 4 करेंगे 2 सितंबर का विज्ञान का कक्षा 10वीं का। अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं। जब कॉपर का बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, जब कॉपर के बर्तन लंबे समय तक नमी में रहते हैं और हवा में संपर्क में आते हैं तो उन पर एक हरी परत चढ़ती है। अभी क्यों? ऑक्सीजन द्वारा कॉपर का संक्षारण होता है। संक्षारण क्योंकि इस प्रक्रिया में जो कॉपर हवा में मौजूद नमी और गैसों के साथ प्रतिक्रिया करता है। कौन कौन सी गैसेस के साथ? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के साथ, और कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट फॉर्म हो जाती है। अब जिसकी वजह से इनका रंग कैसा हो जाता है? इनका रंग हरा होता है। इससे कॉपर धातु की सतह पर हरा रंग दिखने लगता है। इस मिश्रण की प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय होता है जो नींबू में उपस्थित अम्ल सिट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है और कॉपर सिंट्रेट बनाता है, जो पानी में क्या हो जाता है? ये पानी में घुल जाता है। परिणाम स्वरूप बनने वाले हरे रंग के पदार्थ को बर्तन की सतह से हटा दिया जाता है नींबू से, और फिर से एक बार सतह चमकने लगती है। उसकी सतह एक बार फिर से चमकने लगती है। तो ये हमने पैसेज में पढ़ा, गद्यांश में पढ़ा। अब क्वेश्चन, कॉपर कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CuCO3 है, सी ऑप्शन। और कॉपर के बर्तन का संक्षारण होता है किससे? उपचयन से होता है। अब अम्ल की क्षार के साथ क्रिया को क्या कहते हैं? उद्धासीनीकरण कहते हैं। चौथा प्रश्न क्या है हमारा? चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है कॉपर सिट्रेट एक क्या है? लवण है। एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। निम्नलिखित विलयनों में से किस विलयन की अधिकता इस परिवर्तन को पलट देगी? हाइड्रोक्लोरेट अम्ल की जो है अधिकता है वो क्या कर देगी? वो इसको पलट देगी। अब छठा प्रश्न है, लिटमस पेपर पर निम्नलिखित पदार्थों की क्या क्रिया होगी? सूखा NaOH क्या होगा? कोई भी चेंज नहीं होगा। सिरका ब्लू लिटमस से रेड हो जाएगा, नींबू ब्लू लिटमस से रेड हो जाएगा, कार्बोनेट शीतल पे ब्लू से रेड हो जाएगा, दही ब्लू से रेड हो जाएगा और साबुन का घोल रेड लिटमस से ब्लू हो जाएगा। अब आगे सातवां, मधुमक्खी के डंक से शरीर में कौन सा अम्ल इंजेक्ट किया जा सकता है? इसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो मधुमक्खी के जहर में फॉर्मिक एसिड होता है। जब ये हमें डंक मारते हैं तो यह उस एसिड को हमारी त्वचा में छोड़ देते हैं। फॉर्मिक एसिड अत्यधिक दर्द और जलन का कारण है। हालांकि जब हम बेकिंग सोडा का घोल लगाते हैं अपने डंक वाली जगह पर तो वह हल्का आधार होता है, हल्का हल्का सही होता है वो, और इसके प्रभाव से दर्द दूर हो जाता है और नतीजा क्या होता है? ये सनसनी और जलन को रोक देता है और हमें कुछ समय बाद राहत मिल जाती है। आठवां प्रश्न, आठवां है, संकेतक क्या है? संकेतक वे पदार्थ हैं जो रंग में परिवर्तन से हमें बताते हैं कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। उदाहरण लिटमस विलयन। अब प्राकृतिक और कृत्रिम संकेतों के तीन तीन उदाहरण। प्राकृतिक संकेतों के कुछ उदाहरण है हल्दी, अंगूर का रस, लाल गोभी, चेरी, प्याज, चुकंदर आदि। कृत्रिम संकेतों के उदाहरण है फिनोफेथिलीन, मिथाइलिन, ऑरेंज आदि। तो इस तरह से आप आठवां करेंगे। अब नौवां, तनुकरण क्या है? तनुकरण से तात्पर्य विलयन में उसकी सांद्रता को कम करने के लिए अतिरिक्त विलायक को मिलाने की प्रक्रिया से है। क्या यह उष्माशेपी है या उष्माशोषी? यह एक उष्माशेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में उष्मा जो है वो निकल जाती है। अब क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए।
पैसे धारण करते समय सुरक्षा दस्ताने पहने। एसिड को पानी में मिलाना चाहिए, ना कि पानी में एसिड मिलाना चाहिए। और तीसरा, सुरक्षा चश्मा पहनना जरूरी है और एसिड से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। अब दसवां आखिरी प्रश्न, एंटासिड क्या है? उदाहरण सहित वर्णन करें। एंटासिड हल्के क्षार होते हैं और इनमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इनका उपयोग एसिडिटी और आपच और कभी कभी सिर दर्द को रोकने में किया जा सकता है। जब मौखिक रूप से लिया जाता है तो ये पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रक्रिया कर लेता है और इसका कुछ सेवन करने से इसकी ताकत कम हो जाती है। तो उदाहरण है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो यहाँ पे असाइनमेंट खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले असाइनमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।